Hello and assalamu alaikum. I am here with a new topic that is related to Amazon Kindle. So without wasting any time, let's dive into the videos. Basically, this video is based on the things that you are not allowed to do on Amazon Kindle. तो इसमें हम बेसिकली वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो हम अमेजोन किंडल पे नहीं कर सकते, हमें वो अवॉइड करनी चाहिए ताकि हमारा अकाउंट टर्मिनेट ना हो जाए, बैन ना हो जाए और हमें कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। तो पहली चीज़ ये है कि डू नॉट क्रिएट मोर देन वन अकाउंट। लाइक आप इस पे एक एक बंदा एक अकाउंट से ज़्यादा अकाउंट्स नहीं बना सकता लीगली। अगर आपके लेट से आपका कोई सिबलिंग है, कोई बहन भाई है या आपका कोई पार्टनर है जो आपको आपके साथ काम करना चाहता है अमेजोन किंडल पे सेम डिवाइस पे, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि एक डिवाइस पे एक ही अमेजोन किंडल का अकाउंट बन सकता है लीगल वे में। अगर आप वीपीएन लगाएंगे, कोई और चीज लगा के उसको यूज करेंगे, आपका अकाउंट, दोनों अकाउंट टर्मिनेट हो जाएंगे। इसी तरह आप वर्चुअल असिस्टेंट्स जो होते हैं उनके साथ भी इसकी अपनी एक्सेस को शेयर नहीं कर सकते। सो यू हैव टू अवॉइड दिस थिंग। अगर आपका कोई सिबलिंग है वो काम करना चाहता है तो आपको दूसरी डिवाइस पे ही उसका अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि डू नॉट यूज फेक डिटेल्स। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इंटरनेट से डिटेल्स उठाते हैं, चाहे वो फेक ईमेल्स होते हैं, चाहे वो नाम होता है, कुछ भी होता है, एड्रेसेस वगैरह, वो उसको यूज कर लेते हैं। तो आपको अमेजोन किंडल पे अपनी ही रियल डिटेल एड करनी है। यू आर नॉट अलाउड टू यूज फेक डिटेल्स फॉर द साइन अप। तीसरी चीज ये है, डू नॉट यूज मल्टीपल अकाउंट्स ऑन सेम डिवाइस। जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि आप एक डिवाइस पे एक ही अकाउंट यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा करेंगे तो दोनों अकाउंट बैन हो जाएंगे। फोर्थ है, डू नॉट यूज फेमस ऑथर्स, सेलिब्रिटीज, मूवीज, म्यूजिक, एल्बम्स, कंट्रीज, ब्रांड्स, इट इज इन योर कीवर्ड सेवन स्लॉट्स। जब हम अमेजोन किंडल पे अपनी कोई भी बुक पब्लिश करते हैं तो हमारे पास बैक एंड में सेवन स्लॉट्स होती है, सेवन एरियाज होते हैं, सेवन प्लेसेस होते हैं जहां पे हमें अपनी अपने कीवर्ड्स को ऐड करना होता है जो हमारी अपनी बुक को हेल्प करते हैं रैंक में। तो उन स्पेसेस में, उन स्लॉट्स में आपको अलाउ नहीं होता कि आप किसी ब्रांड का, किसी ऑथर, फेमस ऑथर का, किसी भी सेलिब्रिटी या किसी भी ऐसी चीज का नाम यूज करें। बहुत से लोग ऐसा काम करते हैं कि अपनी बुक को रैंक करने के लिए वो सेलिब्रिटीज का नाम ऐड कर देते हैं, फेमस ऑथर्स का या मोस्ट सेलिंग बुक्स के टाइटल्स का या ब्रांड्स का नाम ऐड कर देते हैं। तो ये चीज अमेजोन आपको अलाउ नहीं करता। अगला पॉइंट है, डू नॉट स्टफ कीवर्ड्स। आप अपने उन सेवन स्लॉट्स में कीवर्ड स्टफिंग नहीं कर सकते। कीवर्ड स्टफिंग होती है कि अनरिलेटेड जो कीवर्ड्स होते हैं उनको यूज करना। लेट से आप कोई बुक पब्लिश कर रहे हैं जो कार से रिलेटेड है, गाड़ी से रिलेटेड है। अब आप उसमें आपने सर्च किया, आपको मिल गया कि जिम या हेल्थ या फिटनेस, ये वाले वर्ड्स जो है बहुत ज्यादा इन डिमांड है, इन पे रैंकिंग अच्छी हो रही है। अब आपने अपनी कार से रिलेटेड जो बुक है उसमें ऐड कर दिया जिम से रिलेटेड कीवर्ड, फिटनेस और हेल्थ से रिलेटेड, तो ये कीवर्ड स्टफिंग है। अमेजोन को ये चीज पसंद नहीं है, वो आपकी बुक को डंजन में फेंक देगा या आपका अकाउंट टर्मिनेट कर देगा। अच्छा, अगला हमारे पास पॉइंट है, डू नॉट यूज ट्रेडमार्क्स इन योर टाइटल, सब टाइटल, डिस्क्रिप्शन और एनीवेयर एल्स। जब आप अपनी बुक का टाइटल या सब टाइटल या डिस्क्रिप्शन लिख रहे होते हैं तो आपको ट्रेडमार्क्स की रिसर्च करनी पड़ती है कि जो आपका, समटाइम्स ये होता है कि जब हम अपनी कोई भी टाइटल लिख रहे होते हैं, कोई सब टाइटल लिख रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हाँ ये तो एक नॉर्मल ऑर्डिनरी कॉमन वर्ड है, ये ट्रेडमार्क नहीं हो सकता, लेकिन हम एंड अप करते हैं कि हाँ वो ट्रेडमार्क है। तो सबसे पहले इन चीज़ों को लिखने से पहले आप ट्रेडमार्क को चेक करें कि जो चीज़ आप लिख रहे हैं वो ट्रेडमार्क है या नहीं है। इसके लिए फर्दर वीडियोस में हम देखेंगे कि ट्रेडमार्क को कैसे चेक करते हैं और कॉपीराइट्स को कैसे। अगला पॉइंट है, डू नॉट यूज कॉपीराइट मटेरियल्स। अब इसी तरह जैसे हमने ट्रेडमार्क्स का कहा है, आपको अलाउ नहीं है कि कोई भी कॉपीराइट मटेरियल आप यूज करें, चाहे वो आप किसी की इमेज यूज कर रहे हैं, चाहे वो आप कोई टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज आप यूज नहीं कर सकते। बेसिकली हमारे पास कॉपीराइट को चेक करने के लिए डेटाबेसेस एज सच नहीं है जैसे कि हमारे पास ट्रेडमार्क को चेक करने के लिए है, लेकिन इनको कैसे चेक करना है विदाउट द डेटाबेस वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज में बताऊंगा। अगला पॉइंट है, इफ यू आर पब्लिशिंग पब्लिक डोमेन बुक्स यू मस्ट फॉलो द गाइडलाइंस। अब हमारे पास पब्लिक डोमेन बुक्स को बनाने के लिए कुछ गाइडलाइंस है जिसमें फॉलो करता है कि आपको एनोटेट करना पड़ता है जो बुक आप ले रहे हैं, ट्रांसलेट करना पड़ता है या इलस्ट्रेट करना पड़ता है। ये तीन चीजें हमारे पास होती है, एनोटेशन, इलस्ट्रेशन और ट्रांसलेशन। अगर आप पब्लिक डोमेन में काम कर रहे हैं तो आपको इन तीनों को या दो को या किसी एक को फॉलो करना पड़ता है, लेकिन एज इट इज आप अपनी पब्लिक डोमेन बुक को पब्लिश नहीं कर सकते। जैसे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, डू नॉट पब्लिश सेम इंटीरियर बाय चेंजिंग कवर्स और टाइटल्स अगेन एंड अगेन। पहले ये होता था कि अमेजोन इतना ध्यान नहीं देता था इस चीज पे, इस चीज को
यू कैन से के बाईपास लोग कर लेते थे, लेकिन अब एमेजॉन इस पे बहुत ज्यादा फोकस करता है। अगर पहले लोग ये करते थे कि एक इंटीरियर बनाया, उसके कवर्स चेंज करके डिफरेंट कवर्स लगा के उसको अपलोड किया और नीश को सेचुरेट कर देते थे, स्पैम करते थे ताकि उनके पास सेल्स आ जाए और वो सारा फर्स्ट पेज उन्हीं की बुक से भर जाए। अब एमेजोन पे इस पर बहुत ही ज्यादा एमेजोन का फोकस है इस पे। अब अगर आप ऐसी कोई भी चीज करते हैं, मोर देन वन टाइम इंटीरियर आप अपने पब्लिश करते हैं, तो आप उसको बैकलैश को फेस करते हैं बाय एमेजोन। तो इस तरह की चीजों को अवॉइड करें। अगला है हमारे पास अवॉइड पुअर क्वालिटी बुक्स। अब आप बहुत सी ऐसी वीडियोस, बहुत सी ऐसे आर्टिकल्स या ऐसी चीजें पढ़ते होंगे जहां पे लिखा हुआ होता होगा कि यू हैव टू गो फॉर द क्वांटिटी। आप क्वालिटी की फिक्र करने की जरूरत नहीं, आप क्वांटिटी को करें। क्वांटिटी में आपकी बुक्स, थाउजेंड्स ऑफ बुक्स पब्लिश करते हैं तो उनमें डेफिनेटली आपके पास सेल्स आ जाएंगे। इसमें आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर आप अपनी बुक की क्वालिटी पुअर कर रहे हैं तो आपका वो बिजनेस, चाहे आप 1,000 बुक पब्लिश कर ले, 2,000 कर ले, वो सिर्फ कुछ दिन का बिजनेस है। पहली तो ये चीज है कि अमेजोन बहुत ज्यादा कंसर्न है यूजर एक्सपीरियंस के लिए। अगर आप यूजर को अच्छा एक्सपीरियंस नहीं दे रहे, आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि अमेजोन को इस तरह के लोगों की जरूरत ही नहीं है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, चाहे आपकी 50 बुक्स है, एक अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं, लेट्स से मेरे पास 50 क्वालिटी बुक्स हैं और 1,000 क्वांटिटी बुक्स हैं, और अगर उन 1,000 क्वांटिटी बुक्स की पुअर क्वालिटी है तो आपका डेफिनेटली उसमें से 1,000 में से शायद एक बुक सेल हो जाए, शायद उस पर 3 सेल्स आ जाए पर मंथ या कोई ऐसी चीज हो जाए। लेकिन अगर जो मेरी क्वालिटी बुक्स है उनमें से 50 में से 48 या 47 बुक्स मेरी बहुत अच्छी सेल होंगी, उनमें सेल्स आएंगी, उनमें लोग रेफर करेंगे, मेरे कॉन्टेक्ट्स बनेंगे और एक ग्रो करेगा बिजनेस, एवर लास्टिंग काइंड ऑफ थिंग। तो आपको इस चीज को अवॉइड करना है कि जस्ट स्पैमिंग करते जाएं, क्वांटिटी बढ़ाते जाएं और उनकी कोई क्वालिटी ही ना हो। आपको हमेशा कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें, चाहे वो अमेजोन किंडल हो या कोई भी बिजनेस हो, उसको हमेशा क्वालिटी और लॉन्ग लास्टिंग काइंड ऑफ थिंग अपने माइंड में रख के काम करना है, ताकि एक वो बिजनेस बने, वो एक टेम्परेरी चीज ना हो। अगला हमारे पास है अवॉइड बाइंग फेक रिव्यूज। अच्छा, एक ये चीज है कि बहुत से लोग इस चीज पे मेरे से डिसएग्री करेंगे कि हाँ, हमने तो फेक रिव्यूज बाय किए थे, हमारे लिए तो ये चीज हो रही है, टर्मिनेट नहीं हुआ हमारा अकाउंट और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन ये चीज लास्ट ईयर तक शायद कुछ लोगों के लिए काम कर रही थी जो बहुत लकी थे, लेकिन अब अगर आप कोई भी फेक रिव्यू बाय करते हैं, फौरन आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाता है, क्योंकि अमेजोन के एल्गोरिदम्स को बाईपास एज सच आप नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यू हैव टू फॉलो द रूल्स दैट आर बीइंग मेड फॉर द प्लेटफॉर्म, बिकॉज आप उनका प्लेटफॉर्म यूज करें, यू हैव टू फॉलो देयर रूल। अगर आप कोई भी फेक रिव्यू बाय करेंगे, चाहे वो किसी भी वे का हो, चाहे वो किसी भी वेबसाइट का हो, आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि आपने फेक रिव्यूज बाय नहीं करने। आप रिसर्च अच्छी करें, आप अपनी क्वालिटी बुक बनाएं, तो डेफिनेटली यू विल गेट सेल्स और लोग इस चीज में मजबूर हो जाएंगे कि वो आपको रिव्यू। अच्छा, नेक्स्ट चीज है हमारे पास, डू नॉट यूज अनरिलेटेड कीवर्ड्स इन योर टाइटल, सब टाइटल, सेवन स्लॉट्स और डिस्क्रिप्शन जस्ट टू रैंक, बिकॉज स्टफिंग एंड मिसलीडिंग इज नॉट अलाउड। अब जैसे मैंने पहले बताया था कि अनरिलेटेड वर्ड्स को, कोई भी ऐसी चीज जो मिसलीड कर रही हो, आप अमेजोन पे नहीं यूज कर सकते। अब बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनका इंटीरियर कुछ और होता है, टाइटल कुछ और होता है और कीवर्ड्स कुछ और होते हैं। लेट्स से मेरी एक क्रिसमस की बुक है, उसमें सब कुछ रिलेटेड टू क्रिसमस है, लेकिन मैं उसके टाइटल पे अपनी बुक को रैंक करने के लिए थैंक्स गिविंग ऐड कर देती हूँ, न्यू ईयर ऐड कर देती हूँ, कोई भी ऐसी चीज ऐड कर देती हूँ। तो चूंकि उसमें न्यू ईयर या थैंक गिविंग का कोई भी मटेरियल नहीं है, तो वो मिसलीड कर रही है और अमेजोन को ये अप्रोच नहीं पसंद। तो यू हैव टू अवॉइड सच काइंड, डू नॉट यूज कीवर्ड्स विद योर नेम, पेन नेम एंड ऑल। अच्छा, अब बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि अपनी बुक को या अपनी किसी भी चीज को रैंक, अपने अकाउंट को रैंक करने के लिए वो करते हैं कि अपने पेन नेम्स के साथ यूज कर लेते हैं मेन या फेमस कीवर्ड्स। लेट्स से मैं कहती हूँ कि मैंने अपनी कोई क्रिसमस की बुक सेल करनी है या कोई ऐसी चीज है, तो मैं अपने नाम के साथ लिख लूंगी एक्स वाई जी क्रिसमस या कोई भी ऐसी चीज। तो ऐसी अप्रोचेस भी आपने अवॉइड करनी है। अगला है, डू नॉट रिपीट वर्ड्स इन टाइटल अगेन एंड अगेन। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि कीवर्ड एक ढूंढ लेते हैं और फिर उसको अपने टाइटल में बार 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 यूज करते हैं, सेम इसी तरह वो सब टाइटल में भी करते हैं। ऐसी चीजों को आपने अवॉइड करना। अगला हमारा जो चीज है वो ये है कि आपने, अब जैसे मैंने एक वर्ड ढूंढ लिया कीवर्ड, या उससे रिलेटेड मैंने जो सब कीवर्ड से वो ढूंढ ली, अब मैं उनको यूज करके एक लंबा चौड़ा सा, जितने कीवर्ड्स ढूंढे उनसे लंबा चौड़ा सा एक सब टाइटल लिख लूँ, ताकि मेरे जो बुक है उन सब कीवर्ड्स पे रैंक हो जाए। तो
ऐसी चीज को आपने अवॉइड करना है, आपने ब्रीफ टू द पॉइंट टाइटल टू द पॉइंट सबटाइटल लिखना। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसे क्वेश्चन है जो आपको क्लियर नहीं हुआ, कोई भी मसला है, कोई भी चीज आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ रिलेटेड टू अमेजोन किंडल, तो आप उसको कमेंट डाउन कर सकते हैं। डेफिनेटली आप मुझे टैग कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं वो वाली चीज, आप मुझे डीएम कर सकते हैं। डेफिनेटली आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट। टिल देन अल्लाह हाफिज, पीस आउट।